अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले देख चुके हैं कि जब रियल नंबर का पार्ट और इमेजिनरी नंबर का पार्ट आपस में मिलके कोई एक नंबर बनाता है तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स सपोज 3+4 अयोटा है, और सेकेंड हमारे पास है जी 7+3 अयोटा। आप कहते हैं जी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के दो मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड, आप 3+4 अयोटा इसको प्लस कर दें 7+3 अयोटा में। इनको ब्रैकेट्स को ओपन करें जी, 3+4 अयोटा प्लस 7+3 अयोटा, प्लस था तो अंदर वाला साइन एज इट इज आ गया। जो रियल पार्ट है नंबर का उसको रियल पार्ट के साथ प्लस करना है आपने, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करना है। तो रियल पार्ट को प्लस करते हैं जी 3+7 प्लस का 4 अयोटा प्लस का 3 अयोटा। तो अरेंज करते हैं रियल पार्ट्स को पहले 3+7 और फिर इमेजिनरी पार्ट को 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा। इन दोनों को प्लस करते हैं तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 7+3=10। प्लस 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 का साइन आ गया, 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा 7 अयोटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके आंसर एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, जिसमें रियल पार्ट उसका 10 है और इमेजिनरी पार्ट 7 अयोटा है। सेकंड मेथड है जी 3+4 अयोटा। दूसरा जो मेथड है उसमें इस तरीके से है जी, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लें 3+4 अयोटा, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के नीचे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के नीचे लिख दें। जो हमारा एडिशन का मेथड है उसको यूज करते हुए हम रियल पार्ट्स को प्लस करेंगे, 7+3=10, प्लस 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 और 4+3 अयोटा 7 अयोटा। दोनों में आंसर सेम है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। बट एक चीज जहन में जरूर रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ही प्लस किया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट में ही प्लस करते हैं। ये मेथड था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का। सेकंड हम देखते हैं जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से माइनस कर सकते हैं, किस तरीके से माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी मेरे पास 7+6 अयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 3+2 अयोटा। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें ये है जी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने ऐड किया था उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के भी दो मेथड हैं जी। 7+6 अयोटा माइनस करना है हमने 3+2 अयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 7+6 अयोटा माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -3 आ गया, और प्लस माइनस माइनस का 2 अयोटा आ गया। फिर वही मेथड है यहां पे भी, फिर वही तरीकाकार यही है
कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना है। जी ये हमारे दो रियल नंबर हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 7 माइनस 3, उसके बाद ये दो हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, दो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आ जाएगा प्लस का 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा। इनको सॉल्व करते हैं तो 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू को साइन, तो 7 में से 3 माइनस किए 4, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 6 में से 2 माइनस किए मेरे पास आ जाता है 4 आयोटा। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है वो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने से आता है। इसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं, उसमें क्या करते हैं जी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिख ले और फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के नीचे और इमेजिनरी पार्ट वैसे ही साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट के नीचे लिख देंगे। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाली वैल्यू के, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किए 4, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का, 6 में से 2 आयोटा माइनस किए 4 आयोटा। आंसर हमारे दोनों सेम है, मेथड जो है वो दोनों डिफरेंट है, जो हमें ये बताते हैं कि हम किस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हम उनको किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो जहन में रखने वाली बात ये है कि आपने जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से प्लस या माइनस करना है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।